यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस शेयर को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था और जिस लेवल पर मैंने रिकमेंड किया था वहां से लगभग 200% से अधिक का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसमें हर गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें तो ये स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथलेब लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है कंट्री में और पेन इंडिया प्रेजेंस रखता है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है क्वालिटी और ग्रोथ दोनों का। यहाँ बात करें रेवेन्यू का जो ग्रोथ है 3 साल में 15% CAGR, जबकि प्रॉफिट का जो CAGR है 22% और डिविडेंड जो दिया है फाइनेंशियर 21 में 200% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 86%, तो इतना बेहतरीन है क्योंकि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। बात करें तो कंपनी का टोटल 231 लैब्स है जो कि जोग्राफिकली पूरी तरह से स्प्रेड है, फैला हुआ है। और बात करें टोटल 5000 पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट मेन्यू है कंपनी के पास। बात करें साथ ही साथ 70+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी का डायग्नोस्टिक सेक्टर में और इंडिया का लीडिंग और ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक कंपनी है। 85.7 मिलियन पेशेंट सर्व किया है 5 ईयर्स में। टोटल 30 NABL एक्रीडेटेड लैब्स है, नेशनल रेफरेंस लैब जो कि एक्रीडेटेड है बाय कैप के द्वारा। अगर कंपनी के ऑपरेशन हाईलाइट की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरीज है, देखिए 2018 मात्र 193 था और यहां से लगातार बढ़ते गया और 2021 में हो गया 231, तो इस तरह से 38 लेबोरेटरीज यहां पर क्लिनिकल लेबोरेटरीज में इंक्रीज देखने मिला है पिछले 3 से 4 सालों में। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ जो पेशेंट सर्विस सेंटर है वो भी कांस्टेंट रूप से ग्रो किया है, 2018 में मात्र 2153 और यहाँ से कंसिस्टेंट रूप से ग्रो हुआ है और अभी हो चुका है 2021 में 3705 का। अब बात करें पिकअप पॉइंट्स, जो पिकअप पॉइंट्स है देखिए 2018 में था 5624 और कंसिस्टेंट रूप से यहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिला है और 9247 फाइनेंशियल 21 में हो चुका है, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने। और नंबर ऑफ पेशेंट की बात करें जो मिलियन में है, तो यहाँ पर देखिए 28 में था 15.2 मिलियन पेशेंट और जो करके यहाँ पर 21 में हो गया 20.3 मिलियन पेशेंट, जिसमें 33% के CAGR से यहाँ पर ग्रोथ देखने मिला है। और नंबर ऑफ सैंपल्स की बात करें तो जो यहाँ मिलियन में नंबर ऑफ सैंपल्स है तो 18 में था 34.7 मिलियन यहाँ पर सैंपल्स, जो कि कंसिस्टेंट रूप से बढ़ा है और 21 में हो चुका है 49.7 मिलियन सैंपल्स, तो यहाँ पर जो CAGR देखने मिला है 43% का, तो कुछ इस तरह से कंसिस्टेंट ग्रोथ किया है। तो कंपनी अपने हर चीज में यहाँ पर कंसिस्टेंट रूप से ग्रोथ दिखाया है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन ये स्टॉक है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स का, तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 4,000 रुपीज के आसपास का है, डिविडेंड यील्ड 0.50% का है, तो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है क्योंकि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है तो ये तो काफी हाई है, यहाँ पर तो मात्र 35 दिखा रहा है जबकि वहाँ पर आपको हमने दिखाया कंपनी का जो अपना स्टेटमेंट उसमें 80% से एबव का दिखाया है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का, फेस वैल्यू 10 का है। और यहाँ पर पी की बात करें तो स्टॉक का पी 84.6 का है जबकि इंडस्ट्री का पी मात्र 29.7 का है, तो काफ़ी महंगे पी पे स्टॉक मिल रहा है, तो अच्छे स्टॉक्स हमेशा महंगे पी पे ही आपको मिलेंगे और जो स्टॉक्स महंगा है क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है वो स्टॉक और महंगे होते चले जाएंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 55.2%, जो प्लेज परसेंटेज है जीरो है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी और एकदम सॉलिड फंडामेंटल्स। रिजर्व की बात करें 1,182 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और नेट प्रॉफिट 394 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर एनालिसिस पे चलते हैं तो देखिए कॉन्स में मात्र बुक वैल्यू से जो स्टॉक है 26.38 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, बस यही एक निगेटिव चीज़ें दिखे, बाकी बात कोई भी निगेटिव चीज़ें इस स्टॉक में नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट पेश कर रही है, कंपनी जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 42% का, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 18% के CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। और वहीं पर बात करें प्रॉफिट लॉस का, तो कंपनी का जो सेल्स है
उसका ग्रोथ देखें, मतलब जो टॉप लाइन ग्रोथ है, तो 2011 में था 237 करोड़ का सेल्स और यहां से कंसिस्टेंट रूप से इंक्रीज हुआ है और यहां पर 2021 में हो चुका 1581 करोड़ का, तो सेल्स कंसिस्टेंट रूप से ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर 2011 में था 29 करोड़ का और यहां पर ये कंसिस्टेंट रूप से ग्रो हुआ है और 2021 में हो चुका है 292 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट रूप से ग्रो हुआ, सेल्स भी ग्रो हुआ। और अगर हम बात करें सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ का, तो यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 10 साल में 21% के CAGR है और प्रॉफिट ग्रोथ 26% का CAGR है। और स्टॉक का प्राइस का जो ग्रोथ है वो तो अभी लिस्टिंग मात्र 4 साल हुआ है और पिछले 5 ईयर्स में 34% के CAGR से ग्रोथ दिया खाया है स्टॉक ने। अब बात करें इसके बैलेंस शीट का, देखिए बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल 83 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। 2011 में मात्र 88 करोड़ का था, जहां से इंक्रीज होकर के 1182 करोड़ का हो चुका है। और जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, मतलब जो कंपनी का डेट है, वो बिल्कुल जीरो है और काफ़ी लंबे समय से कंपनी अपना डेट बिल्कुल जीरो करके रखा है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट करती कंपनी वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कैश फ्लो है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, मतलब पॉजिटिव भी रहा है साथ साथ इंक्रीज भी हुआ है। 2011 में 42 करोड़ और यहाँ से देखिए लगातार कंसिस्टेंट रूप से फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट किया है, तो ये एक बेहतरीन कंपनी का साइन है। और डिफरेंट डिफरेंट जो रेशियोज है उसको देख सकते हैं, डेबिटर्स डेज यहाँ काफ़ी इंप्रूव हुआ है, मतलब 15 के आसपास है, तो इंप्रूव है, मतलब कोई इसमें इंक्रीज या डिक्रीज खास नहीं देखने मिला है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये तो कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त है, 8.36 देख सकते हैं, मतलब इतना कंपनी का सेल्स करने का एफिशिएंसी इतना ज़बरदस्त है कि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर 8 के आसपास है। अब इन्वेस्टर सेक्शन में बात करते हैं तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 55.23% है, तो यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग जो है पिछले 2 सालों में 2% से ज़्यादा का डिक्रीज देखने मिला है। FIs होल्डिंग यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 26.42% का है। DIs का जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है और 6.54% है। तो यहाँ पर अगर हम FIs और प्रमोटर्स को मिला दें तो ये तो काफ़ी हैवी है, ये लगभग 80% से भी एबव का है, तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें मात्र 10.96% का पब्लिक होल्डिंग है, अदर्स होल्डिंग भी है 0.85। तो इस तरह से कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी सॉलिड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक काफ़ी परफेक्ट है। अब बात करें टेक्निकल चार्ट का, देखिए चार्ट जो हम देखते हैं एक शॉर्ट टर्म के व्यू से देखते हैं और एक लॉन्ग टर्म। जो हम यहाँ पर चार्ट पर बात करें ये शॉर्ट टर्म का यहाँ पर चार्ट बना है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए या नीचे आ जाए, फिर या हो सकता है यहीं से स्टॉक नीचे चला जाए या यहां से स्टॉक सीधे ऊपर चलते चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार हम टेक्निकल चार्ट पे भी निर्णय लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें रहना है या एग्जिट होना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है, मतलब इसके ऊपर निकलता है 4005 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर ये स्टॉक 5000 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है या कहे इसका जो सपोर्ट रीजन है वह है 3400 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो आप उस गिरावट में मतलब बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। तो जब हम फंडामेंटल का निर्णय कर लेते हैं कि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, तो वो स्टॉक जितना ज़्यादा गिरावट में मिले हमें उतना ही बाय ऑन डिप्स करना है। और अगर इस सपोर्ट को भी ये स्टॉक ब्रेक करता है, जैसा कि उम्मीद काफ़ी कम है क्योंकि स्टॉक काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और कंपनी अपने एक्सपेंसर पे ध्यान दे रही है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्टॉक का, तो 3000 इसका सबसे जो बड़ा सपोर्ट होगा। लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी गिरावट होती है मार्केट के साथ 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 कंपनी का कोई जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है उसमें कुछ डिक्लाइन देखने मिलता है, मतलब टेम्प्रोरी बेसिस कोई इश्यू आता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।